स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ देने वाले हैं। और गुड न्यूज़ यह है कि आज आप क्लास टेंथ वाले सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी होने वाला है। जी हाँ, आप लोगों का इंतज़ार होता है ख़त्म, बहुत ही बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे कि कब मेरा रिजल्ट आएगा, क्या होगा मेरा रिजल्ट का। तो बस अब आप लोग का इंतज़ार हो गया ख़त्म, क्योंकि आज होने वाला है 1 बजे आप लोग का रिजल्ट जारी। बिहार बोर्ड ने जो फैसला लिया है आज एग्ज़ाम का, जो रिजल्ट का जो फैसला लिया है कि हम आपका रिजल्ट अपडेट करेंगे, आज आपका रिजल्ट हम देने वाले हैं। तो याद रखें कि आज आप लोग का रिजल्ट 31 मार्च 2022 है, 1 बजे आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ, 1 बजे। और आपको बता दें कि अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र पर जा करके वहाँ पर क्या लिखेंगे, biharboardonline.bihar.government.in पर, या फिर कि आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र पर जाकर के लिखेंगे biharboard.ac.in। हाँ, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये दो जो है ना वेबसाइट, जो ऑफिशियल है बिहार बोर्ड का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, ये दोनों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है। अगर वहाँ पर आपको रिजल्ट चेक करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप झल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आपका रिजल्ट आएगा। बस आप थर्ड जो है ना स्टेप अपनाएंगे, sarkaririzult.com। हालांकि sarkaririzult.com पर सभी तरह के रिजल्ट अपडेट किए जाते हैं, सभी तरह के रिजल्ट जारी किए जाते हैं, इस पर आपका मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा और इस पर भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो पिछले बार रिजल्ट आया था, इस बार जो है ना पिछले बार की अपेक्षा इस साल बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। आप लोग थोड़ा सा भी नेगेटिव होकर के अपने रिजल्ट को नहीं चेक कीजिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव होकर के, क्योंकि पॉजिटिव मैक्स अ मैन परफेक्ट। आपको बता दें, जब अगर आप पॉजिटिव रह करके आप अपने रिजल्ट को चेक करेंगे ना, तो आपका गारंटी के साथ आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर पहले से ही अगर आप निगेटिव हैं और आपके आपको कहीं ना कहीं से नकारात्मक सोच क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं से निगेटिव सोच क्रिएट हो रही है कि पता ना मेरा रिजल्ट क्या होगा, शायद मेरा इस सब्जेक्ट में फेल आएगा, इस सब्जेक्ट में मेरा नंबर कम आएगा, इस सब्जेक्ट में मेरा क्रॉस लगेगा, तो गारंटी के साथ ये निगेटिव आपको निगेटिव रिजल्ट दे करके ही रहेगा। ये आपका निगेटिव सोच आपको निगेटिव रिजल्ट दे करके ही रहेगा। इसलिए अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट खराब होने वाला है, तो फिर तब तो आप मतलब रिजल्ट चेक कीजिए, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, चेक करके बस आप शांत हो जाइए। लेकिन अगर आप पहले से पॉजिटिव हैं, भले डर लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आपके मन में और आपके दिमाग में ये सोच आ रही है और पॉजिटिव सोच आ रही है कि मैं तो लिखा हूँ बहुत ज़बरदस्त, मेरा तो रिजल्ट होगा, ठीक है ना, तो बता दे रहे हैं कि आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ रोल कोड रोल नंबर डालिए, इस वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कीजिए और चेक करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका रिजल्ट कितना बढ़िया रहा। याद रखिएगा, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे ना कि आपका रिजल्ट कितना बढ़िया है, तो हम उस आपके रिजल्ट को पिक करके हम कम्युनिटी मैसेज के माध्यम से प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, उस कम्युनिटी टैब में डालेंगे तो सभी विद्यार्थी देख पाएंगे कि हाँ, इस ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई करके कितना बढ़िया रिजल्ट लेकर के आए हैं। आज बहुत खुशी की बात है और आज का दिन बहुत ही खुशी वाला दिन होने वाला है, क्योंकि आज के दिन आप लोग का रिजल्ट जारी होने वाला है। हाँ, अब आपको एक और बात बता दें, थोड़ा सा एक माइनर कंफ्यूजन है। देखिए, 2-3 डेट देने के बाद आज तय हुआ है कि आज आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, लेकिन ये 100% परफेक्ट भी नहीं समझिएगा। क्यों, एक माइनर सा कंफ्यूजन में हम कहना चाहेंगे कि देखिए, बिहार बोर्ड का एक रूल है, बिहार बोर्ड का एक रूल है कि क्लास 12 वाले के साथ तो नहीं, लेकिन क्लास 10th वाले विद्यार्थी लाइफ में पहली बार बोर्ड का एग्जाम देते हैं, जिंदगी में पहली बार, ठीक है ना। हालांकि जो फेल होते हैं तो दूसरी बार भी देते हैं, तीसरी बार भी देते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार देते हैं, मतलब समझिए तो 99% विद्यार्थी जो है ना पहली बार ही एग्जाम देते हैं, 1% फेल हो जाते हैं तो फिर दोबारा देते हैं, लेकिन 99% जो विद्यार्थी हैं उसको 100% के व्यू से, अगर 100% की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो जिंदगी में पहली बार वो एग्जाम देते हैं बोर्ड का एग्जाम। बिहार बोर्ड क्या करता है ना कि एक डेट तय करता है कि चलिए भाई 27 तारीख को आएगा, ठीक है ना, रिजल्ट। तो 27 तारीख को बच्चे के अंदर घबराहट होती है और लगता है कि 27 तारीख को रिजल्ट का क्या होगा मेरा, हालांकि वो कितना भी बढ़िया लिखा होगा लेकिन उसको थोड़ा सा डर बना हुआ रहता है। फिर 27 तारीख जैसे ही आता है और दिया रहता है टाइम कि 4 बजे हम आपका जो है ना आपका 4 बजे आपका रिजल्ट अपडेट करेंगे, रिजल्ट जारी करेंगे। जैसे ही 27 तारीख आता है, उसके 2 घंटा पहले एक नया अपडेट देता है बिहार बोर्ड कि नहीं, आज भी रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है। फिर बोलता है कि 28 तारीख होगा, 28 तारीख के दिन क्या होता है कि फिर कहता है कि 28 तारीख को हम 1 बजे हम अपना रिजल्ट जो है ना अपने बच्चों को देने वाले हैं। फिर 28 तारीख को 1 घंटा पहले वो बता देता है कि रिजल्ट जारी नहीं होगा।
तो मैं यहां पर आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज अगर 31 तारीख को मेरा वीडियो आप देख रहे हैं या फिर 31 तारीख के बाद भी अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, एक माइनर कंफ्यूजिंग बात बोल रहे हैं। अगर रिजल्ट आ गया तो ठीक, नहीं आया तो घबराएंगे नहीं, रिजल्ट तो आना ही आना है। अरे आज नहीं है, कल जरूर आएगा, उसके अगले दिन आएगा, लेकिन आएगा रिजल्ट जरूर। हाँ, बिहार बोर्ड थोड़ा सा डेट को अपडेट करते रहता है, किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से जिस दिन रिजल्ट जारी करने वाला होता है नहीं रिजल्ट जारी कर पाता है। तो हम लोग थोड़ा सा अपने आप में भयभीत ना हो, हम लोग घबराएं नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है ना, बस धैर्य रखिए, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि पिछले साल जो रिजल्ट हुआ उससे भी बेहतर इस बार रिजल्ट होने वाला है। जो विद्यार्थी थोड़ा बहुत कम भी लिखे होंगे आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग का रिजल्ट पॉजिटिव होने वाला है, आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है। जो थोड़ा बहुत कम भी लिखा है बिहार बोर्ड इतना तो दया दृष्टि जरूर रखा है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत बढ़िया देने वाला है, क्योंकि कोविड 19 करते आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब भी रहा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसको नज़रअंदाज नहीं करेगा सरकार, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड ने यह तय किया कि थोड़ा बहुत जो कम भी लिखा है उसको हम रिजल्ट दे देंगे। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं जो थोड़ा बहुत कम भी लिखे हैं उसका रिजल्ट हो जाएगा, बढ़िया रिजल्ट होगा, आप रिजल्ट चेक करेंगे, घबराएंगे नहीं। लेकिन 1% कंफ्यूजन है कि कहीं हो सकता है कि 1 घंटा पहले कहीं बिहार बोर्ड फिर लेटेस्ट अपडेट दे दे और ये कह दे कि आज आप लोग का रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि जारी नहीं होगा और कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, आपको अगले दिन रिजल्ट का इंतजार करना है, या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद रिजल्ट जरूर आएगा। और आपको बता दें कि यह वीडियो देखने के बाद अपने तक नहीं रखेंगे, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, बिहार बोर्ड से रिगार्डिंग न्यूज़ है, इसलिए आप इसको अपने पास नहीं रखेंगे, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।